हाय एवरीवन, आई एम अवनीश धारीवाल। और जो लोग मुझे नहीं जानते, आई क्वालिफाइड द जुडिशियल एग्जाम्स ऑफ यूपी एंड दिल्ली। और ये लेक्चर जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए हैं, जो लोग राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का मेंस लिख रहे हैं। सो आई हैव ट्राइड कि कुछ चीज़ें बताऊँ जो विच में बी हेल्पफुल टू यू पीपल। बहुत से लोग क्वेरी कर रहे तो इट्स बेटर दैट आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दैट। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का पेपर, एज आई लुक्ड इन टू इट, इट वॉज सिंपल। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मुझे लगे वो बेसिक क्वेश्चंस थे, बट जो सिलेबस है और जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो एरिया वास्ट है। बाकी स्टेट्स की कंपैरिजन में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा गहनता से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू स्टडी इट वेरी डीपली, बट यू मस्ट बी एबल टू स्टडी इट इन ए वे दैट यू नो द बेसिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारी चीजें जो बिखरी बिखरी है ना, वो थोड़ा थोड़ा आपको उसका बेसिक्स आना चाहिए। यू नीड नॉट टू बी वेरी इंटेलिजेंट फॉर दिस एग्जाम, बट यू हैव टू प्रेजेंट इट इन ए गुड वे। आप अच्छे ढंग से अगर प्रेजेंट कर सकते हो, आप पहली बात तो आपने चीजें पढ़ी होनी चाहिए। अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं कर पाओगे, बट यू ऑल्सो रिक्वायर टू प्रेजेंट इट इन ए गुड वे। नाउ पहली चीज जो विच यू शुड प्रिपेयर इज दैट इट्स ए लेंथी पेपर। मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि पेपर काफी लेंथी है और आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए इस चीज के लिए। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है देन इट वुड बी ए प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे, कुछ 5 मार्क्स के होंगे, कुछ 10 मार्क्स के होंगे। सो मेंटली अपने आप को उस ढंग से प्रिपेयर होकर जाना कि यू हैव टू बी राइट सो मेनी थिंग्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा एंड यू विल गेट 180 मिनट्स। 3 घंटे का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। दैट मीन्स 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट का टाइम है। आपके पास एक 1.8 मिनट का टाइम है 1 मार्क के क्वेश्चन को करने के लिए। अब बहुत सारी चीजें आपको देखनी होंगी कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। आप वहां पर जाकर आंसर शीट में अपना नाम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, बहुत सारे चीजें लिखोगे, तो उस सब में भी कुछ टाइम जो है आपका जाएगा। सो इट्स बेटर टू टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू हैव 1.5 मिनट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मिनट है, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट है। तो इस ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 7.5 मिनट्स हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 मिनट है। इस ढंग से अपनी रणनीति को लेके चलना। और आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि जैसे 10 क्वेश्चंस हैं कि 5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे कर दिए और 5 क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एक बैलेंस्ड ढंग से प्रिपेयर करना। हर क्वेश्चन को एक बैलेंस्ड ढंग से प्रिपेयर आप कर दोगे तो इट वुड बी वेरी नाइस फॉर यू। तो आपकी तैयारी बैलेंस होनी चाहिए, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है इस ढंग की होनी चाहिए कि कम समय में आप रेलिवेंट चीजों को लिख सको और वही वहां पर जो है आपको मैटर करेगा। कवरेज जो है वाइड होना चाहिए। कवरेज अगर आपका वाइड नहीं है तो प्रॉब्लम है। जैसे कि दिल्ली के लिए कवरेज एक्सटेंसिव होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और उसमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें बेसिक चीजें जो है ना उनमें जरूर पढ़ लेना थोड़ा सा। अमेंडमेंट पढ़ लो, सॉवरन इम्यूनिटी पढ़ लो, राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ लो, इमरजेंसी पढ़ लो, ऑर्डिनेंस पढ़ लो, ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लो। इसी ढंग से अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो डैमेजेस पढ़ लो, टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ लो, अनजस्ट एनरिचमेंट पढ़ लो, कंसीडरेशन पढ़ लो, टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन पढ़ लो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ लो, कितने टाइप के होते हैं, वाइड और अनलॉफुल में क्या अंतर है ये पढ़ लो। तो ये सब चीजें जो बहुत बेसिक है ना उनकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट, 2-3 नंबर के अगर क्वेश्चंस हों तो उसमें अनलेस इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जब तक ना हो तब तक उसे लिखने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो छोटे पॉइंट्स में चीजों को एक्सप्लेन कर दो। जितना आप जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे, जितना जो है स्पेसिफिक होकर लिखेंगे ना, उतना ज्यादा चांसेस है आपको कि उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। कमिंग टू द जो स्पेशल एक्ट्स, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो इसमें फोकस करो कि क्या है, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। पहली चीज तो ये है कि ये क्या चीज है, इसके लिए कौन कंपिटेंट कोर्ट है, कौन सा कोर्ट से डील करेगा, फिर क्या क्या रेमेडीज ये प्रोवाइड करता है कि क्या क्या अगर वुमेन जाती है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो वहां पे उसे क्या क्या रिलीफ मिल सकता है,
क्या क्या एक्शन कोर्ट ले सकती है, और अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है उसका वायलेशन हुआ है तो उसकी क्या क्या रेमेडी है। इसी ढंग से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, तो उसमें देखो कि प्रोबेशन कब ग्रांट की जाएगी, किन सिचुएशंस के लिए प्रोबेशन जो है ग्रांट की जाती है, प्लस फोकस ऑन कि कौन सा कोर्ट ग्रांट करेगा, फिर कहां पे ग्रांट नहीं की जाएगी, फिर इसका क्या प्रोसीजर है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। इसी ढंग से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में मोस्टली दे फोकस अपॉन थिंग्स ऑफ प्रोसीजर, कि पहली बात तो ग्राउंड्स क्या है इविक्शन के, दूसरी चीज ये है टाइप ऑफ टेनेंसी कितने टाइप की होती है, रेमेडीज क्या क्या है, कौन सी अथॉरिटी है जो रेमेडीज प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोसीजर है उसका, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद कौन सी रेमेडी अवेल की जा सकती है, इस टाइप की चीजों पे उन्होंने फोकस किया है जितना मैं देख पाया। सो यू शुड ऑल्सो फोकस, आप भी स्वयं अपना एक एनालिसिस करना, बट मोस्टली इन चीजों पर है। इसी ढंग से जुबिलेंट जस्टिस एक्ट है, तो उसमें कौन आएगा, किसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा, फिर इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, फिर एविडेंस जो है रिकॉर्डिंग वो किस ढंग से की जाएगी, अगर जुडिशियल ऑफिसर है तो वो कौन सी रैंक का जुडिशियल ऑफिसर होगा, इन सब चीजों पे फोकस कर लेना। मुझे लगता है जो प्रोसीजर वाले सब्जेक्ट है जैसे एविडेंस है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, तो उनमें वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजस्थान में, जबकि जो सब्सटेंशियल लॉ है उनसे उनके क्वेश्चन मोस्टली बेसिक है, वो एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे हैं। प्रोसीजर में आप समझ लेना कि वारंट ट्रायल का क्या प्रोसीजर है, इसी ढंग से समन्स ट्रायल का क्या प्रोसीजर है, और समरी ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। अगेन आप देख सकते हो कि पुलिस जब अपनी चार्जशीट फाइल करेगी तब क्या प्रोसीजर होगा और कंप्लेंट पे क्या प्रोसीजर होगा, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेना। इसी ढंग से एक क्वेश्चन आपको रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट पे आएगा और जजमेंट राइटिंग। आई ऑलवेज एडवाइज पीपल के जजमेंट राइटिंग यू कैन डू मच बेटर देन राइटिंग ए प्लेंट और प्रिपेयरिंग ए WS। WS प्रिपेयर आप कितना इच्छा लिखो, प्लेंट आप कितनी अच्छी लिखो, आपके ज्यादा चांसेस हैं कि इफ यू हैव रिटन जजमेंट और जजमेंट में आपने उतना वर्क किया है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज जजमेंट में जो एनालिसिस होगा ना वो दोनों साइड से एनालिसिस होगा। ए जजमेंट लुक्स ऑलवेज लुक्स मोर ब्यूटिफुल देन ए प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। वो एक मेंटल स्टेट जो है जो जज का होता है ना जजमेंट लिखते हुए, तो वो रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं जजमेंट राइटिंग में, वो प्लेंट में और WS में उस ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं होता। सो आई एडवाइस कि अगर दोनों में से एक करना हो तो जजमेंट राइटिंग जरूर करना, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, बेसिक रूल्स पढ़ लेना, बेसिक रूल कैसे कैसे काम करते हैं, कब कौन सा रूल अप्लाई होता है, इट वुड बी मोर देन इनफ। कमिंग टू हिंदी, हिंदी जो है इसकी बहुत टफ है, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत कम पेपर ऐसे लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट राजस्थान की हिंदी इज लिटरली वेरी डिफिकल्ट। आप चाहें तो लूसेंट की बुक रेफर कर सकते हो, लूसेंट की एक बुक काफी अच्छी है, काफी लोगों ने सजेस्ट किया, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा एक बार देख लो किस ढंग के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो है उसके बाद गो टू द मार्केट एंड बाई सम गुड बुक। लूसेंट आप देख सकते हो, इंग्लिश के लिए लूसेंट और भारद्वाज दोनों में से एक ले सकते हो, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, इंग्लिश आप मुझे लगता है कर सकते हो इफ अदरवाइज योर इंग्लिश इज नॉट पुअर, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है ना तो आप कर सकते हो। लूसेंट या भारद्वाज में से कोई ले सकते हो, लूसेंट थोड़ी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव शायद मिल जाए आपको, हैव ए लुक, जो अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द एसे पार्ट, देखो एसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके उसका, क्योंकि एसे में मार्क्स का जो फर्क है ना वो एक साथ नजर आएगा उस क्वेश्चन में। कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे आए हैं कि लॉ एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसे एक टॉपिक है लॉ एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपसे क्या चाहते हैं, आई मीन व्हाट यू आर सपोज टू राइट, यू शुड बी क्लियर। ऐसे क्यों पूछा जाता है, ऐसे हमेशा इसलिए पूछा जाता है कि उस टॉपिक पे आपको क्या कहना है, जैसे लॉ और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसकी क्या व्यवस्था है, लॉ और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या आपको लगता है आज कैसी हालत है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसमें क्या क्या कमियां एग्जिस्ट कर रही हैं, उन कमियों का कारण क्या है, उसके पीछे जो रीजंस हैं वो क्या हैं, और किस ढंग से हम उन रीजंस को, उन इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं। ये चार पांच हेडिंग जो है आपको देनी होती है। जैसे कि लॉ एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सर्टेनली इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की वजह से, एनजीओस के वर्क की वजह से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से हमारे लॉज थोड़े कंप्रिहेंसिव हो रहे हैं, उसमें रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन बेटर हो रही है। बट अगेन व्हाट आर द परसिस्टिंग इश्यूज, परसिस्टिंग इश्यूज ये है कि आज भी जो है हम उतने एक्टिव नहीं है अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना हमें होना चाहिए। आज भी हमारी जो एजेंसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल पुलिस है जैसे, तो पुलिस उतने अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, उतने अच्छे ढंग से एविडेंस
को नहीं वो प्रोड्यूस कर पाती है या प्रेजेंट कर पाती है। आज भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स है ना, इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स हैं, वो बहुत पुराने हैं, जिस वजह से हम लॉज की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो लॉज में और प्रॉब्लम बता सकते हो, जैसे कि कोई सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड लॉ है, कूड़ा जो होता है सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, और पीपल कैन नॉट थ्रो हेयर एंड देयर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, कोई भी वेस्टेज आप इधर उधर नहीं फेंक सकते हो। बट एक प्रॉब्लम उसके साथ ये भी है, लॉ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ये है कि जो है उसके लिए पेनलाइज नहीं करते हैं लोगों को। जब तक आप पेनलाइज लोगों को करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो लोगों में सेंस ऑफ फियर नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं लॉ इज बैक्ड, लॉ हैज टू बी बैक्ड बाय सैंक्शन। जब तक सैंक्शन नहीं होगी ना, तो उसमें खालीपन एक बना रहेगा, इसलिए लोग फॉलो नहीं करेंगे। पॉलिथिन जो है बैंड है, बट पीपल आर यूजिंग पॉलिथिन पब्लिकली। उसका रीजन यही है कि उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, किसी को पनिशमेंट नहीं दी जा रही। अगर रोज पुलिस कुछ चालान करे, उस पर फाइन लगाए, देन सम फियर वुड बी क्रिएटेड। तो ये एक पर्सपेक्टिव। तो लास्ट में अपने सजेशंस रखो कि लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वन सजेशन जो दिया जा सकता है कि हमारे यहाँ पुलिस फोर्स बहुत कम है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 226 पुलिस वाले होने चाहिए 1,00,000 लोगों पर, 10,00,000 लोगों पर, बट हमारे यहाँ पे जो है जो नंबर है इट्स लेस देन 150। एक बार आप भी चेक कर लेना आंकड़े। इस टाइप के सजेशंस आप दो कि इससे हमारा लॉ इंप्रूव होगा। इसी ढंग से कैमरे इंस्टॉल किए जाने चाहिए हेयर एंड देयर, इससे भी हमें जो है लॉ अपना इंप्रूव कर सकते हैं। और जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को स्पेशली ट्रेन किया जाना चाहिए, अनदर गुड एग्जाम्पल। तो इस ढंग के एग्जाम्पल दो। इसी ढंग से एक और टॉपिक मैं लूंगा, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियरी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जुडिशियरी, तो ये आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, जुडिशरी उससे कैसे अफेक्ट हो रही है, क्या कोई नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है, क्या कोई पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट है। अब इसके भी दो पहलू, दो एलिमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हो। पहला तो ये कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्ट रूम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पहले जो कॉज लिस्ट बनती थी हाथ से बनती थी, आज जो है कॉज लिस्ट बनती है कंप्यूटर पर बनती है, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं। तो उसी ढंग से जो है आपको अपडेट करना पड़ता है कि कौन सी केस कौन से केस में कौन सी डेट लगी हुई है आगे, उस चीज को आप फीड करोगे कंप्यूटर के अंदर। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिससे कि इम्प्रूव हुआ है, ताकि एक बार अगर ऑर्डर शीट में कोई चीज सही ढंग से नहीं लिखी गई है, जैसे कि हैंड रिटन ऑर्डर शीट लिखी जाती है यूपी में, तो उसे आप कंप्यूटर पर हमेशा देख सकते हो, ये एक इसका इम्पैक्ट है। इसी ढंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हो, अक्यूज को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सम केसेस में एविडेंस भी रिकॉर्ड किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, एक्यूज को देखा जा सकता है। तो ये तो एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट एक है कि जुडिशरी पर बाहरी जो डेवलपमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका क्या प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एक केस है, ए पर्सन इज एक्यूज और वो जो है ही इज ए वेरी फेमस पर्सन, और मीडिया ने उसके बारे में कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, और वो सारे चैनल्स पे चल रही वही चीज जो है गूगल पे जो है सर्च की जा रही है, वही चीज न्यूज चैनल्स छाप रहे हैं, वेबसाइट छाप रही हैं कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है और ये इसने पक्का ये क्राइम किया होगा और ये बहुत पावरफुल है और ये कुछ भी कर सकता है। अगर इस ढंग की न्यूज अगर फैल रही है ना पहले से उसके बारे में, तो किस ढंग से ये जुडिशरी को इम्पैक्ट करेगी, ये भी एक पहलू इसमें डिस्कस कर सकते हो। तो इसके लिए आप सजेशंस दे सकते हो कि अभी भी जो है जो स्टेट्स की जुडिशरी है वो इस मामले में लैकिंग है, उनके पास बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वाईफाई की कनेक्टिविटी की कई जगह दिक्कत है, फिर मौसम अगर खराब होता है तो अगेन उसमें जो है बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है। इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जानी चाहिए, फिर जजेस को स्पेशली ट्रेन किया जाना चाहिए कि बाकी जगह जो चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो इम्पैक्ट है ना, जो एक एक्यूज्ड के बारे में या एक विक्टिम के बारे में, उससे जो है जज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ही मस्ट बी इम्पार्शियल और वो जो एविडेंस है ना उसी को देख के अपना डिसीजन ले। हिंदी के टॉपिक्स में मैंने देखा जैसे कि भारत में लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र पे आपको दिखना होगा कि लोकतंत्र की क्या कमियां आपको आज की डेट में दिखाई देती हैं, ये कमियां आज की डेट में क्यों है, उसके क्या कारण है और उन कमियों को किस ढंग से हम दूर कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जैसे कि आप कह सकते हैं पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पे, जिससे कि बेरोजगारी ज्यादा है, जिससे कि बाकी प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, दैट इज वन थिंग। बट अगेन अनदर प्रॉब्लम मे बी कि हाईली लिटरेट नहीं है हमारे यहाँ का जो वोटर है, बहुत अच्छे ढंग से लिटरेट नहीं है, जिसकी वजह से लोकतंत्र जो है हमारे साथ उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसी ढंग से पार्टी सिस्टम के बारे में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करो। बुक अगेन मैंने कोई बुक कभी रेफर नहीं की है ऐसे के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेटर होगा कि आप अच्छे आर्टिकल्स देख लो।
आप देख चाहो तो जो है आईएएस वगैरह आईएएस या आईपी आईएएस या फिर पीसीएस की कुछ कोचिंग्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे जाके कुछ आर्टिकल्स देख सकते हो इन टॉपिक्स पे, वुमेन की कंडीशन पे, जैसे कि कंडीशन ऑफ वुमेन या वुमेन के लिए रिजर्वेशन या रिजर्वेशन इन जनरल या फीमेल एम्पावरमेंट, ये एक टॉपिक हो सकता है। इसी तरह से मार्जिनलाइज ग्रुप्स इन इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये कुछ टॉपिक हो सकते हैं जिनका फर्क जो जो हमारे लिए रेलिवेंट है। फ्लड्स का टॉपिक हो सकता है, इसी ढंग से सड़कों का टॉपिक हो सकता है, किस ढंग से हम ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक हो सकता है कि हमें किस ढंग से ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया है, किस ढंग से हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं। ये सब टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा करके सर्च कर लो, पिछले कुछ साल के अगर आप टॉपिक्स देखोगे ना, उनसे रिलेवेंट टॉपिक ही आएंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स ही आएंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक्स नहीं आते हैं, और आपके पास चॉइस भी होती है। ऑलवेज ट्राई टू टेक अ टॉपिक जिसमें कि आप फैक्ट्स को ऐड कर सको। जब फैक्ट्स सपोर्ट करते हैं किसी भी कंक्लूजन को या किसी भी आर्ग्यूमेंट को ना, तो इट ऑलवेज गिव्स ए बेटर इंप्रेशन। जैसे कि लायन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स अगर आप दे सकते हो, इट वुड बी बेटर। भारत में लोकतंत्र है, जैसे कि थोड़ा डल टॉपिक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया थोड़ा डल टॉपिक है, उस पर एग्जैक्ट कुछ भी लिखने को नहीं है। सोशियोलॉजी का टॉपिक है, एवरीवन वुड बी एबल टू राइट सम थिंग्स, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेल। ऑन द अदर हैंड लॉ एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, उसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो। उसमें पुलिस की प्रणाली के बारे में लिख सकते हो, पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में लिख सकते हो, डेटा दे सकते हो, और बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो फैक्ट्स के साथ, तो इट वुड बी मच बेटर। दो अगेन आपकी अपनी कॉम्पिटेंस भी मैटर करती है। सो आपका कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन कमेंट्स। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।